नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दिस इज़ धीरे द्विवेदी फ्रॉम गुरु जीवन। आप सभी उत्तर प्रदेश के बहन भाइयों का हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, आपका परिवार भी उम्दा होगा और आप बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे, बेहतर पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका एग्ज़ाम बहुत करीब में है, तृतीय सेमेस्टर का एग्ज़ाम। डीएलएड बीटीसी जो परीक्षार्थी हैं, कंप्यूटर के फास्ट रिविज़न में बिना रुके यहाँ पर देखिएगा, ये पार्ट फायर पार्ट आपके लिए साबित होगा एग्ज़ाम के पहले, बोर्नवीटा की तरीके से एकदम गजब का पार्ट है। इसमें वही क्वेश्चन चुनिंदा रखे गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो हैं, बस ये बात मैं कहूँगा। इस पार्ट को आप देखिएगा, तरीका बेहतर है, और लगे आपको कि आप जो है किताबी भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरी भाषा समझिएगा और इस भाषा को आप लिखिएगा जाके। हमारे कुछ पॉइंट भी आपको याद रहते हैं तो भी आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर पहला पॉइंट है कंप्यूटर में कि एमएस वर्ड क्या है और इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमएस वर्ड से। एमएस वर्ड यानी जो है किसी भी ऑफिस का कार्य होता है, यानी किसी भी ऑफिस का कार्य अपनी कंपनी या घर में होने वाले कार्यों पर नज़र रखना। तो एमएस वर्ड का मतलब है कि नज़र रखना, यानी किस पर, कार्यों पर, ऑफिस का जो कार्य होता है उस पर नज़र रखना। इसलिए कार्यालय में विभिन्न सूचनाओं का वर्गीकरण रख रखाव किया जाता है। जी हाँ, कार्यालय सरकारी हो या निजी हो कोई मतलब नहीं रखता है, लेकिन वह घर या कंपनी का केंद्र बिंदु होता है। यानी घर और ऑफिस से रिलेटेड जो हमारी क्रिया है उन पर जो है कार्यालय के विभिन्न सूचनाओं और वर्गीकरण का जो है आंकड़ों का रख रखाव किया जाता है, एम एस वर्ल्ड कहलाता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं, यानी एम एस वर्ड के क्या क्या प्रयोग हैं, ये आप जान लीजिएगा। एम एस वर्ड जो है पत्र तैयार करता है। जी हाँ बिल्कुल, पत्र तैयार करेगा, कर्मचारी का रिकॉर्ड रखेगा। इसके अलावा कार्य की प्रगति की समीक्षा करेगा, एनालिसिस करेगा कि कार्य जो है किस मोड़ पर है। ठीक है, निगरानी करना है एम एस वर्ड का काम। नए कर्मचारियों की नियुक्ति है तो रिकॉर्ड रखेगा और उनका डेटा रखेगा। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि आप दो तीन पॉइंट भी अगर आप याद रखते हो, पत्र तैयार करना या फिर कर्मचारियों का रिकॉर्ड रखना या फिर निगरानी रखना, यानी कुल मिलाकर एमएस वर्ड का मतलब है कि निगरानी रखना आंकड़ों और जो भी उनके कार्यालय के प्रपत्र हैं उन पर जो है निगरानी रखना। तो यहाँ पर जो है रिकॉर्ड से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। एक होता है एमएस एक्सेल क्या होता है, सरल भाषा में समझिए एमएस एक्सेल क्या होता है कि एमएस एक्सेल के अंतर्गत हम डेटा को मैनेज करते हैं। जी हम मैनेज करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि डेटा को हम मैनेज करते हैं, सुंदर ग्राफ बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सुंदर ग्राफ बनाएंगे। इसके अलावा क्या करते हैं, विभिन्न कार्यों की सहायता से डेटा को अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। कह रहा है कि सुंदर ग्राफ बना सकते हैं, डेटा को मैनेज कर सकते हैं, कार्यों की सहायता से डेटा को अपने को कैलकुलेट कर सकते हैं। एमएस एक्सेल को न्यूमेरिक डेटा को बैलेंस करने में जो है यहाँ पर इसका उपयोग करा जाता है। यानी आप कह सकते हो, मैं इसमें 4 से 5 पॉइंट बताऊंगा, इसमें अगर आपको 3 भी पॉइंट याद रहते हैं तो आप एम एस एक्सेल की अच्छी तरीके से डेफिनेशन लिख सकते हो। कैसे कि सुंदर ग्राफ बना सकते हैं, विभिन्न कार्यों की सहायता से डेटा को अपने कैलकुलेट कर सकते हैं, एम एस एक्सेल को न्यूमेरिक डाटा को बैलेंस करने में। अब यार न्यूमेरिक डाटा क्या होता है, न्यूमेरिक डाटा होता है 1, 2, 3, 4 ये वाला जो डाटा होता है उसको जो है बैलेंस करने में। ठीक है, रिपोर्ट बनाने में, फार्मूला बनाने में किया जाता है। तो 6 पॉइंट ये हैं, इसमें से आप 4 पॉइंट कोई भी याद कर सकते हो, एमएस एक्सेल कहलाता है। एक ट्रिक पॉइंट है कि आपको इसमें थोड़े से भी पॉइंट आते हैं तो आप लिखिएगा, ये गुरुजी वर्ड कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन को छोड़ने मत, लिखते जाएँ, घसीटते जाएँ, कुछ नहीं देखिएगा, राइटिंग पर मत जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और आप जो है थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि घसीट रहा हूँ मैं राइटिंग के लिए, मैं बहुत अच्छी भी राइटिंग लिख लेता हूँ लेकिन घसीट रहा हूँ, क्या करूँ, मजबूरी है, समय कम है आपके लिए। एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावर पॉइंट में क्या क्या करते हैं। तो पावर पॉइंट में जो कार्य करते हैं उनका थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, 4 क्वेश्चन 4 जो है पॉइंट देखेंगे, ये आपको लिखने हैं। इस बार हमें लग रहा है कि पावर पॉइंट पक्का आने वाला है कि प्रेजेंटेशन फाइल के सिक्योरिटी पासवर्ड की सुविधा होती है पावर पॉइंट में, प्रेजेंटेशन में घबराहट नहीं होती है, इसके लिए जो है प्रेजेंटेशन को बेहतर तैयार करना पावर पॉइंट का जो है मकसद, एनिमेशन की सहायता से प्रेजेंटेशन को बेहतरीन बनाना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। ठीक, क्लियर हो गया पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वैसे तो सभी को पता है लेकिन हम कैसे अच्छे शब्दों में लिख सकते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है। 2 नंबर में क्वेश्चन लघु उत्तरी में पूछा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बता देते हैं, यह एक आधुनिक संचार की तकनीक है जिसमें हम लोग जी रहे हैं।
जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से वीडियो या ऑडियो के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप चैटिंग करते हैं या फिर वीडियो का कोई भी ऐप यूज़ करते हैं, तो उसका जो है हम यूज़ करते हैं। जब भी हम बात करते हैं, कोई विदेश में बैठा है, कोई स्टेट में बैठा है या फिर कोई घर पे बैठा है, तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, ठीक है ना। तो यार एक चीज़ बताओ, तो वीडियो कॉल करते हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब भी यहाँ पर इसी तरीके से आपको मिलेगा कि वीडियो व ऑडियो के माध्यम से जुड़ सकते हैं। भाई कौन कौन जुड़ेगा, अकेला तो आदमी कुछ कर नहीं सकता, एक व्यक्ति होगा, एक के साथ दूसरा होना ज़रूरी है, यानी दो व्यक्ति होने चाहिए मिनिमम, दो से अधिक व्यक्ति होंगे तो भी होगा, जिसे टेली कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। अनेक लोग अलग अलग स्थानों पर बैठे हों तब हम उनसे आपस में बात कर सकते हैं, जी हाँ, एवं डॉक्यूमेंट्स व सूचनाओं का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। तो क्या होता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कैमरा की ज़रूरत होती है, टेलीविज़न या प्रोजेक्टर की ज़रूरत है, माइक्रोफोन, स्पीकर और इंटरनेट की आवश्यकता होती है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, हो सकता है मे भी आप मोबाइल का भी यूज़ करते हैं, तो यार बस इतना याद रखिएगा, ये चीज़ें सब जो है किसमें होती हैं, आपके मोबाइल फ़ोन में हो सकती हैं। एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क का उद्देश्य बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर नेटवर्क का उद्देश्य बताना है आपको और लिखना है 3 से 4 पॉइंट। तो कंप्यूटर नेटवर्क के उद्देश्य क्या है कि विभिन्न प्रयोगकर्ताओं के कंप्यूटर को जोड़ना। कंप्यूटर नेटवर्क क्या करता है, विभिन्न जो उपयोगकर्ता होते हैं उनको जोड़ना, किससे, नेटवर्क से जोड़ना, याद रखिएगा, नेटवर्क से जोड़ना। एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को काम सौंपना, जो एक कंप्यूटर का काम होता है वो क्या करें, दूसरे कंप्यूटर को सौंप देना। आंकड़ों का आपस में आदान प्रदान करना, जो आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं उनका आपस में आदान प्रदान करते हैं, विनिमय करते हैं। एक कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों को दूसरे को भेजना, जो एक कंप्यूटर ने प्राप्त परिणाम यानी रिजल्ट निकाल लिया है, अब उसको क्या करते हैं, हम दूसरे कंप्यूटर को भेजते हैं जिसे संशोधित होने के लिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला है, और इसके अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिजिटलीकरण के माध्यम से जो है क्या मतलब जो है आशय निकलता है आपका। बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा कि डिजिटलीकरण से आशय है कि आप इंटरनेट के माध्यम से कोई भी डेटा, सूचना संबंधी आंकड़ा देख सकते हैं। जो डिजिटलीकरण होता क्या है, एकदम मोदी साहब हमारे कहते हैं कि डिजिटलीकरण, इंडिया का डिजिटलीकरण होना चाहिए, यानी कोई भी करप्शन नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि कोई भी डेटा जो है, कोई भी डेटा हम देख सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। हालांकि इंटरनेट ज़रूर होना चाहिए, इसमें पारदर्शिता का गुण होना आ जाता है, और कहा जाता है कि इसमें इंटरनेट की आवश्यकता होती है, बिना इंटरनेट के हम कोई चीज़ देख ही नहीं सकते। भाई गूगल नहीं चला पाएंगे तो फिर हम डेटा को, किसी भी चीज़ को देख ही नहीं सकते। डिजिटलीकरण माना कि आपका गैस का कनेक्शन है, आपका बिजली का कनेक्शन है, तो आप देखना चाहते हो कि हमारा पेमेंट जो है क्या जो है पे होगा अगले महीने, या कितना हमने किया है, या फिर आपका जो है शेयर देखना है, शेयर मार्केट का देखना है, या फिर आपका जो है कोई भी ऐसा पेमेंट है जो आप देखना चाहते हो, ठीक है। आप जो है उत्तर प्रदेश की योजनाओं को देखना चाहते हो कि क्या जो है कहाँ पर कितना लागत लगा है, सड़कों में कितना जो है वहाँ पर लगाया गया है, तो ये पूरा डिजिटलीकरण है। बैंकों से जो पूरा जो पैसा लेन देन है वो जो है आप देख सकते हो कि हमने अकाउंट में कितना जो है अपना पूरा अभी तक ज़िंदगी भर का हमने कितना पेमेंट लिया है, कितना दिया है, कितना ऋण लिया है, तो सारा कुछ जो है पेमेंट आपका डिजिटाइजेशन के हिसाब से वहाँ पर आ जाता है। इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन कहता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मल्टीमीडिया क्या है, इसके लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का नाम भी लिखना पड़ेगा आपको। तो दो नंबर का ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। देखिएगा, मल्टीमीडिया मतलब किसी बात या सूचना को, देखिए ध्यान देना, किसी बात या सूचना को शब्द, ध्वनि, ग्राफिक व एनिमेशन के माध्यम से एक साथ संपादित करना मल्टीमीडिया कहलाता है। बोल रहा है कि एक साथ होने चाहिए तीन या चार चीज़ें, शब्द हो, ध्वनि हो, ग्राफिक हो। देखिए शब्द क्या होते हैं, शब्द मतलब जो बोल रहे हैं हम, आप सुन रहे हैं हमें। ध्वनि मतलब होता है जो हम बोल रहे हैं उसके द्वारा ध्वनि जो निकल रही है, यानी साउंड। ग्राफिक मीन्स क्या होता है, जो हम ये कलम चला रहे हैं, ये आप जो है चित्र देख रहे हैं। एनिमेशन क्या होता है कि इसमें एनिमेशन में जब आप कोई चीज़ देखते हो फोटो में, तो एनिमेटेड करती है, यानी चलती हुई दिखाई देती है, एनिमेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, वो एक साथ संपादित होती हैं तभी मल्टीमीडिया कहलाती हैं। आपने बोला जाता है कि मल्टीमीडिया फ़ोन, उसके पास कौन सा फ़ोन है, तो वो कहता है कि मल्टीमीडिया फ़ोन है मेरे पास। तो यानी अगर आप जो है मल्टीमीडिया फ़ोन रखते हो तो बस वही मल्टीमीडिया है, उसमें सारी चीज़ें यही चीज़ें होती हैं, ठीक है, आप समझ गए। अब कहता है कि आप आवश्यक सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर बताइएगा। सीडी रोम होता है, सीडी रोम ड्राइव होता है,
ध्यान रख देना, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होता है, माइक्रोफोन व कैमरा होता है, साउंड कार्ड होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों कि सीडी रोम क्या है। सीडी रोम का प्रायः प्रयोग म्यूज़िक के लिए करा जाता है, याद रखिएगा सीडी रोम प्रायः म्यूज़िक के लिए करा जाता है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। सीडी रोम का प्रायः प्रयोग म्यूज़िक के रूप में किया जाता है, यानी ध्वनि के रूप में किया जाता है, जिसका आकार 650 MB का होता है। इसके माध्यम से आंकड़े, देखिएगा अब काम क्या है, इसके माध्यम से आंकड़े, संगीत व आंकड़े पढ़े जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आंकड़े दो बार लिख दिया है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसके माध्यम से संगीत व आंकड़े पढ़े जाते हैं, और इसका प्रयोग वीडियो प्लेयर के द्वारा भी किया जाता है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, दो नंबर में बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान देना। यहाँ पर कहता कि ऑफिस में ICT का प्रयोग कहाँ करते हैं। अब ICT का मतलब अगर पता होना चाहिए तभी तो हम इसको कर पाएंगे, है ना। तो ICT का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ICT का हम पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। उत्तर में क्या लिखना है कि ICT का मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, ICT का मतलब ये होता है। अब बात आती है कि कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, पहले तो जान लीजिएगा कि यह किसी संस्था, ध्यान दीजिएगा, यह किसी संस्था या कार्यालय संस्था के हृदय के समान होता है। आपका शरीर होता है, आपका मेन पार्ट होता है हृदय, ठीक है, उस पर ही सारी चीज़ें डिपेंड हैं। ऐसे ही बोल रहा है कि कार्यालय का हृदय कौन है, ICT है, क्योंकि सभी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण कागज़ फाइल आंकड़े अभिलेख कार्यालय में ही रहते हैं। आपको पता है कि सारे जो कागजात होते हैं, फाइल्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर आपका कोई ऑफिस है तो वहीं पे तो रहेंगी, अमूमन सी बात है, प्रायः आप तो जानते हो, है ना, तो वहीं पर रहेंगी। अब क्या होता है कि जिसके लिए इनका रखरखाव भी ज़रूरी है, भाई अगर आपके लॉकर में पैसे रखे हैं तो उसका रखरखाव ज़रूरी है, तो उसके लिए आप लॉक लगाते हो। इसलिए जो फाइल्स रखी होती हैं कार्यालय में, आंकड़े होते हैं, उनके रखरखाव भी ज़रूरी होता है, इसलिए ICT का जो है हम प्रयोग करते हैं। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर ICT के फलस्वरूप हम इन्हें सुरक्षित कंप्यूटरों में उचित जो है ढंग से इनको रखते हैं, हार्ड कॉपी के साथ साथ सूचनाओं की सॉफ्ट कॉपी भी रखते हैं, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो कार्यालय में आपकी सुरक्षित चीज़ें हैं, कार्यालय हैं, जो कार्यालय हैं उनमें इम्पोर्टेंट जो कागज़ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, आंकड़े हैं, सूचनाएं हैं, उनको अगर सुरक्षित रखने के लिए हम जो है किया जाए तो ICT का प्रयोग किया जाता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो इनका प्रयोग करते हैं, जिसमें जो है हम उनको कंप्यूटरों में उचित ढंग से जगह देते हैं, और उसके साथ साथ हार्ड कॉपी के साथ साथ सूचनाओं की सॉफ्ट कॉपी भी रखते हैं। एग्जांपल के लिए पेन ड्राइव ले लो और DVD, ठीक है, हो गया आपका एग्जांपल। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो है आपके लास्ट दो क्वेश्चन बचे हुए हैं। हैकर्स क्या है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा जो है 100% इसका संभावना है कि मल्टीमीडिया हैकर्स में क्वेश्चन बनेगा। हैकर्स क्या है, देखिएगा अपनी भाषा में कैसे लिखेंगे, सामान्यतः कोई हैकर्स एक ऐसा व्यक्ति होता है, हैकर्स क्या है, एक मैन होता है, समझ रहे हो मेरी बात, एक हैकर्स क्या होता है, एक मैन होता है, आदमी होता है, चाहे वो औरत हो चाहे वो एक व्यक्ति हो। आप याद रखिएगा हैकर्स एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कंप्यूटर के घेरे को तोड़ता है, यानी कंप्यूटर के घेरे का मतलब है कंप्यूटर के सुरक्षा घेरे को, यानी सिक्योरिटी घेरे को तोड़ता है, समझ रहे हो, जो सिक्योरिटी लगी होती है उसको तोड़ता है, यानी सुरक्षा को अपने हाथ में ले लेता है वह व्यक्ति। ये हैकर्स कलात्मक होते हैं या राजनीतिक कारणों से प्रेरित होते हैं, या तो उनके अंदर ऐसी कला होती है जो उन चीज़ों को तोड़ लेते हैं, जैसे आपका मोबाइल है पासवर्ड तोड़ देते हैं वो हैकर्स कहलाते हैं, आपका वाईफाई जो पासवर्ड है उसको हॉटस्पॉट को तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, वो हैकर्स होते हैं, आपके कंप्यूटर का पासवर्ड तोड़ देते हैं वो हैकर्स होते हैं, आपके बैंक का पासवर्ड तोड़ देते हैं, गूगल पे का पासवर्ड तोड़ देते हैं वो हैकर्स होते हैं, आपके ATM का पासवर्ड तोड़ देते हैं वो हैकर्स होते हैं, ये हैकर्स हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एक पॉइंट है लास्ट, बस क्वेश्चन बचा है कि इंटरनेट के प्रमुख भाग बताइए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, इंटरनेट के प्रमुख भाग बताइएगा, एक नंबर में आएगा ये क्वेश्चन, वैसे तो हमने सारे लघु उत्तरी रखे हैं लेकिन इसको देख लीजिएगा। ए नंबर जो है आपका है नेटवर्क, बी नंबर है मॉडम, सी है उपग्रह, मुख्य सूचना कंप्यूटर, ई है केबल नेटवर्क, यानी नेटवर्क का जरूरी है, जो नेटवर्क किसका भाग है, इंटरनेट का भाग है, मॉडम किसका भाग है, इंटरनेट का भाग है, उपग्रह किसका भाग है, इंटरनेट का भाग है, मुख्य सूचना कंप्यूटर भी इंटरनेट का भाग है, और केबल नेटवर्क भी इंटरनेट का भाग है। दो तीन आप याद कर लो, आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर जाओगे। दोस्तों बता देते हैं यहाँ पर बहुत
तेज़ी से मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, और सभी को शेयर कर देना, बस इतना कर देना, और कुछ नहीं आपसे चाहिए। आप जिस पर जाएंगे वो वीडियो आ रही है, बस आप धैर्य बनाए रखिएगा, परेशान मत होना, एग्ज़ाम को अच्छे से देना, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। नीचे आप जाइएगा कमेंट बॉक्स में, जहाँ पर आप कमेंट करते हो वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगी, सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी फास्ट रिवीजन की, बस उसको ही रिवीजन कर लो, आप चले जाओ एग्ज़ाम देने, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, परेशान मत होना। सारी चीज़ें बस एक आपसे गुजारिश रहेगी, क्वेश्चन ना आए फिर भी करो, थोड़ा पता हो फिर भी करो, घसीटो उसको, करो, रोकना नहीं है, समझ रहे हो, रुकना नहीं है, याद रखिएगा, बस इतना हमारी बात को बनाए रखिएगा। गुरुजी वर्ड आपके लिए हमेशा खड़ा हुआ है, हर कदम हर साथ, ये आपके लिए वादा है। और बता देते हैं, जब भी आप जो है ज़रूरत पड़े तो हमें नीचे कमेंट करें, सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर जरूर करिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा वीडियो को। जय हिंद जय भारत।